TV9 बिहार झारखंड पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रुति झा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारे में खूब तैयारियां चल रही है। एक तरफ नीतीश कुमार दम भर रहे हैं कि मुझे PM उम्मीदवार नहीं बनना है, केवल विपक्ष को एकजुट कर मिशन में दिल्ली आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ PM मोदी पर तंज भी कसते हैं और पटना में पोस्टर भी लगवाते हैं कि प्रदेश में दिखा अब देश में दिखेगा। देखिए, नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा और विपक्षी नेताओं से मुलाकात काफी खास माना जा रहा है। वो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करने के मिशन में जुटे हुए हैं ताकि वो BJP को मात दे सके। हालांकि इस बात की चर्चा भी तेज थी कि CM नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और यही वजह है कि वे अलग अलग राज्यों में जाकर विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। हालांकि CM नीतीश ने इस बात पर पूर्ण विराम लगा दिया है कि वे प्रधानमंत्री पद के चेहरा नहीं होंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि ये सब फालतू की बातें हैं और भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमारी ना कोई इच्छा है, न मेरी कोई आकांक्षा, उसे मत बोलिए। इच्छा है कि अधिक से अधिक विपक्ष अगर एकजुट हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए जो हम लोगों का सहयोग होगा हम लोग करेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि हम लोगों का हमारा कोई दावा है, हमारी इच्छा यही है कि सब एकजुट। उसी के लिए अपना जो बातचीत करना होगा बातचीत करते हैं। लेकिन एकजुट होकर आपका नाम प्रस्ताव में अगर आगे आया तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? हम उसके बारे में सोचते भी नहीं। BJP का नंबर एकदम अपने BJP का नंबर कम किया जा सकता है? देखिए, अगर सब एकजुट हो जाएंगे विपक्ष तो बन जाएंगे तो स्वाभाविक है। कितना फॉर्मर बिहार मिनिस्टर कार्तिक सिंह अभी मिशन में सरकार का आरोप है कि इसका फायदा आज जो विपक्ष है। ठीक है सर। NDA से नाता तोड़कर विपक्षी खेमे में जाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं। 3 दिनों का ये दौरा नीतीश कुमार के लिए बेहद खास है। वो विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात करेंगे। CM नीतीश कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और शरद पवार के संग भी उनकी बैठक मानी जा रही है। वहीं आपको बता दें, नीतीश कुमार के इस दौरे को लेकर RCP सिंह ने सवाल खड़ा कर दिया है। जी हाँ, पटना पहुंचते ही RCP सिंह नीतीश कुमार पर आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ और सुखाड़ है, किसान पस्त है और नीतीश कुमार दिल्ली में मस्त है। यह विपक्षी एकता नहीं, पक्षी एकता है। देखिए, एक बात जरा समझ लीजिए, मुख्यमंत्री जी को बिहार की जनता ने 2020 में किस बात के लिए जनादेश दिया था? बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए और बिहार में काम करने के लिए। पहुंचे हुए कहाँ हैं अभी? आप खुद बोल रहे हैं दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बिहार में आपको पता है ना क्या स्थिति है अभी? किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, खासकर देखिए इस बार बारिश कम हुई है। खुद जो हमारा नालंदा जिला है, आसपास इतने जिले हैं जितना हमारा पूरा दक्षिण बिहार के जिले हैं, क्या स्थिति है जी? आपको तो जाना चाहिए यहाँ, जहाँ देखना चाहिए किसानों को कैसे मदद हो सकती है। तो वो तो वही बात हुई कि किसान लोग पस्त हैं और मुख्यमंत्री जी दिल्ली में मस्त हैं। किस बात के लिए? तो साहब, विपक्षी एकता। आप जरा सुनिए, मुझे थोड़ा हंसी भी आती है। वो विपक्षी एकता है या थोड़ा लोगों को खराब लगेगा कि पक्षी एकता में लगे हुए हैं? पक्षियों को जानते हैं ना, पक्षी में एकता हो सकती है क्या? कई पक्षी जो होता है जमीन पर है, कई पक्षी हवा में है, कोई पेड़ पर रहता है, पक्षियों के तरह तरह के भोजन होते हैं, कोई जल में रहता है। वही हाल है अपने देश में। जितनी पार्टियां विपक्ष जिसको कहते हैं, पटना में ही आए तो थे, KCR आए, क्या हुआ जी? उठ बैठ होते रहा, वो कहें उठिए, वो कहें बैठिए, उतना ही नहीं। क्या है कि साहब कांग्रेस साथ में रहे कि लेफ्ट साथ में रहे, और गए हैं रात कहाँ मिले हैं? सबसे पहले कहाँ मिले हैं, किन की पैरवी से मिले हैं? आप लोग ज्यादा जानते हैं, लेकिन ये भी जरा जान लीजिए, वो किसके प्रोडक्ट है? 1974 आंदोलन के, JP आंदोलन के, और स्वर्गीय JP जयप्रकाश नारायण जी पर लाठी किसने चलाया था जी? किस सरकार ने चलवाया था? इमरजेंसी किसने लगाया था? और जा करके फोटो खिंचवा रहे हैं,
अब फोटो भी देख रहे कैसा कैसा फोटो आ रहा है। बहरहाल आज नीतीश कुमार की कई खास नेताओं से मुलाकात होने वाली है और नीतीश कुमार की जो तैयारियां हैं सभी विपक्षों को एकजुट करने की, क्या लगता है आपको इस मुहिम में नीतीश कुमार सफल हो पाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार के लिए ये रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि सभी विपक्षी दल को नीतीश कुमार को एकजुट करना होगा और ये इतना आसान होगा क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल खबर समाप्त। बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।